गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 एनसीईआरटी क्लास 10 का मैंने पहले दो चैप्टर करा दिए हैं, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला और एक वुमेन आई वाला। तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में जाके उस चैप्टर को आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में उसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप उस चैप्टर को पहले देख लें और फिर इस चैप्टर को देखें। तो हमारा मेन उद्देश्य होता है कि एक एक लाइन को पढ़ना और समझना। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी हैज इम्पोर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। ये तो हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे मॉडर्न सोसाइटी के लिए। इट इज कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर ए वैरायटी ऑफ यूजेज इन होम, स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री एंड सो ऑन। तो इसका होम में, स्कूल में, इंडस्ट्री में वेरियस टाइप्स ऑफ यूजेज क्या है होते हैं। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ डज इट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट क्या होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये हमको जानना है पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज द फैक्टर दैट कंट्रोल टू रेगुलेट द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज द फैक्टर, कौन सा फैक्टर होता है दैट कंट्रोल एंड रेगुलेट द करंट, जो कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं करंट को इन सर्किट। सर्किट में करंट को कौन से कैसे सर्किट पलट, तो सर्किट में कैसे करंट फ्लो हो रहा है, उसको रेगुलेट और कंट्रोल कौन करते हैं, ये सब। इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो हमारे इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है कि इन सारे क्वेश्चंस का क्या करना, आंसर दें। We shall also discuss the heating effect of the electric circuit and its application. We shall also discuss, और हम ये भी discuss करेंगे कि electric का जो heating effect होता है उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, study करें। तो चलिए हम यहाँ से start करेंगे आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे next जो topic है वो है electric charge, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। वी आर फेमिलियर विथ एयर करंट एंड वाटर करंट। हम लोग एयर करंट और वाटर करंट से फेमिलियर, ठीक है। वाटर करंट यानी झटका, एयर का झटका और वाटर का झटका। वी ऑल्सो नो डेट फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट वाटर करंट। फ्लोइंग वाटर क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट इन ए रिवर। तो फ्लोइंग वाटर जो है वाटर का करंट देता है रिवर में। सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल थ्रू ए मेटालिक वायर, वी सी दैट इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। तो अगर इलेक्ट्रिक को हम किसी करंट से फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी करंट से फ्लो कराते हैं, तो हमको इलेक्ट्रिक क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी करंट से हम फ्लो कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। यहां तक होंगे। तो वी आर फेमिलियर विथ एयर करंट, मैंने पहले क्या पढ़ा कि एयर करंट एंड वाटर करंट। तो वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट वाटर करंट। अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर करंट देगा। वही इलेक्ट्रिक चार्ज अगर किसी मेटालिक कंडक्टर से फ्लो हो रहा है तो क्या देगा, इलेक्ट्रिक करंट देगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। इन ए टॉर्च वी नो दैट द सेल यानी सेल या ए बैटरी यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी बोलते हैं। बैटरी वेन प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च एंड बल्ब इज ग्लोइंग। वी हैव
we have also seen that the torch gives light only when it's switched on. हम ये भी देखते हैं कि टॉर्च लाइट कब देता है, जब टॉर्च को हम स्विच ऑन करते हैं, ठीक है. व्हाट डज ए स्विच डू, क्या करता है स्विच, ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि व्हाट डज स्विच डू, स्विच करता क्या है, व्हाट डज स्विच डू, स्विच क्या करता है. ए स्विच मेक ए कंडक्टिंग लिंक बिटवीन सील एंड बल्ब. तो स्विच का काम क्या है, इस जिस जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे. ए स्विच मेक्स ए कंडक्टिंग लिंक बिटवीन सेल एंड द बल्ब. सेल और बल्ब के बीच का लिंकिंग होता है, यानी सेल से चार्ज को बल्ब तक लाए ले जाना है तो हमें स्विच का यूज करना होगा. स्विच ऑन करेंगे तो जाएगा, ऑफ कर देंगे तो नहीं जाएगा. तो स्विच क्या है, एक कंडक्टिंग लिंक. स्विच का डेफिनेशन भी होता है, हो सकता है, होता है कि ए स्विच इज कंडक्टिंग लिंक बिटवीन वन सोर्स टू अनदर सोर्स, यानी ए सेल टू चार्ज. ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. अब चल सर्किट का भी हमने क्या किया, डेफिनेशन देख लिया इसमें. तो सर्किट के डेफिनेशन को हम अलग कलर से दिखाते हैं. तो जहां पे क्या कह रहा है कि ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक कंटिन्यूअस होता है और एक क्लोज होना चाहिए. एक कंटिन्यूअस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए. तो कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट का कंटिन्यूअस, जैसे यहां पे हमारा करंट, अगर ये हमारा क्या हो गया, ये पाथ हो गया, मान लीजिए इस पाथ में अगर करंट फ्लो हो रहा है ऐसे ऐसे. इस पाथ में हमने यहां पे कुछ बैटरी लगाना पड़ेगा आपको, यहां पे बैटरी मैंने लगा दिया, यहां पे बैटरी लगा दिया. अगर इस पाथ है, एक क्लोज पाथ हो गया, एक पाथ क्या है, क्लोज है. अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सर्किट बोलेंगे. क्या बोलेंगे, सर्किट बोलेंगे. यानी एक कंटिन्यूअस क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एक कंटिन्यूअस क्लोज पाथ ही बना तो इसको क्या बोल दिए, सर्किट बोल दिए, ठीक है. नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर या द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न ऑफ, द करंट स्टॉप द फॉलोइंग एंड द बल्ब नॉट ग्लो. अगर स्विच ऑफ है या हम ब्रोक कर देते हैं मतलब सर्किट को, तो हमारा जो बल्ब होता है वो क्या होता है, ग्लो नहीं होता है. हाउ कैन वी एक्सप्रेस, हाउ डू वी एक्सप्रेस द इलेक्ट्रिक करंट, कैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करेंगे. तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे. इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम. यहां क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फॉलोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम. अगर यूनिट टाइम यानी सेकंड हो, यूनिट सेकंड में अगर किसी एरिया से जितना चार्ज फ्लो हो उसको क्या बोल दी, हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फॉलोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, किसी पर्टिकुलर एरिया में यूनिट टाइम में जितना हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक करंट बोल दिया. इन अदर वर्ल्ड भी है, साइंटिफिक वर्ल्ड भी है. तो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अदर वर्ल्ड में हम कह सकते हैं क्या, इट इज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने का रेट क्या है, रेट यानी पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसको क्या बोल दिया, करंट बोल दिया. इन ए सर्किट यूजिंग मेटालिक वायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज. इन ए सर्किट यूजिंग मेटालिक वायर इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज. इन ए सर्किट यूजिंग मेटालिक वायर,
एक सर्किट जो है मेटल का वायर यूज हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो होता है कंस्टिट्यूट करता है फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का फ्लो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इन ए सर्किट यूजिंग मेटालिक वायर इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करता है चार्ज के फ्लो को कंस्टिट्यूट करता है। हाउएवर इलेक्ट्रॉन वेयर नॉट नोन एज एट द टाइम व्हेन द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड। तो ये हमको याद रखना है, ये जानकारी की चीजें हैं कि इलेक्ट्रॉन वेयर नॉट नोन, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं थी एट द टाइम व्हेन द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिक वाज ऑब्जर्व्ड इन फर्स्ट टाइम। तो पहले बार जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग जाने उस टाइम पे क्या था, हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में नॉलेज क्या था, नहीं था। तो हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स वेयर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आज ऑब्जर्व, जब इलेक्ट्रिसिटी का फेनोमेना ऑब्जर्व हुआ उस टाइम इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग अनभिज्ञ थे। सो द इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन के बारे में तो पता नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं। लेकिन उस टाइम तक हमको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ही पता नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का पता हो गया था कि इलेक्ट्रिसिटी होता। तो इलेक्ट्रिक करंट वाज, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट कंसिडर किया गया कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इसलिए डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को ही हमने इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ले लिया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनली यानी परंपरा जो होता है, कन्वेंशनली परंपरागत ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हम आगे चलते हैं, तो ये क्या कह रहा है, यहां से हमने देखना था कन्वेंशनली से, कन्वेंशनली इन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट हम क्या लेते हैं, हमारा करंट का डायरेक्शन का लेते हैं। इन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट हम लोग क्या लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं, विच इज निगेटिव चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज। तो ये भी हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं कि इन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट हम डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं, ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि उस टाइम तक हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, तो आगे क्या कह रहा है कि द नेट चार्ज Q फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर एट टाइम T, देन द करंट I थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इज, इफ द नेट चार्ज Q फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, अगर नेट चार्ज जो है Q अगर किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो हो रहा है, इफ नेट चार्ज Q फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन टाइम T, देन द करंट I थ्रू द क्रॉस सेक्शन, अगर किसी टाइम टी तक क्यू चार्ज जाता है, क्यू चार्ज किसी टाइम टी तक जाता है, तो करंट आई जो होगा वो क्या होगा, ऐसे भी कहते हैं करंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज,
रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज यानी Q by T, I is equal to क्या हो गया Q by T। तो फिर है द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम, यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट है क्या है कूलम में, विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंड बाय कंटेंड इन नियरली 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। तो SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारा है उसका SI यूनिट क्या है कूलम में, जो कि 1 कूलम इज इक्वल टू क्या होता है 6×10⁸ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो 1 कूलम किसके बराबर हो गया 6×10⁸ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया आपका 1 कूलम। तो ये आपको याद रखना होगा 6×10⁸ इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या हो गया 1 कूलम हो गया। We know that the an electron possesses a negative charge ऑफ 1.6×10⁻¹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं 1.6 × −1.6×10⁻¹ कूलम। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड, द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय यूनिट एम्पियर नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर। तो एंड्री मैरी एम्पियर के नाम पर इसका इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एक्सप्रेस कर दिया गया क्या एम्पियर। वन एम्पियर कुछ नहीं होता है, एम्पियर इज कूलम्ब पर सेकंड। तो वही दिया है कि 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द लॉ ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज पर सेकंड, यानी 1 एम्पियर क्या हो गया 1 कूलम्ब चार्ज पर सेकंड। दैट इज 1 एम्पियर इज 1 कूलम्ब पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में जितना कूलम्ब चार्ज जाएगा वही तो करंट होता था, यानी करंट का वैसे यूनिट देखे तो कूलम्ब पर सेकंड हुआ, लेकिन कूलम्ब पर सेकंड बार बार नहीं लिख सकते थे तो उसको एम्पियर लिख। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द करंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर, मिली एम्पियर में भी कर सकते हैं। तो मिली क्या होगा 10⁻⁻⁻ क्या हो जाएगा 3 लगा देंगे। माइक्रो एम्पियर में भी कर सकते हैं, माइक्रो यहाँ पे होगा वहां 10⁻⁻ क्या लगा देंगे −6 लगा देंगे। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड आमीटर। अब देखिए एक इंस्ट्रूमेंट है आमीटर, इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड आमीटर मेजर द इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। यानी ए इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड आमीटर, आमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को इन ए सर्किट। किसी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और उसको हमको क्या करना है मेजर करना है, तो उसको हम किसके थ्रू मेजर करेंगे आमीटर के थ्रू मेजर करेंगे। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट थ्रू विच द सर्किट थ्रू विच द करंट इज मेजर। अब इसको हमेशा जो है सीरीज में लगाया जाता है, आमीटर को हमेशा क्या लगाया जाता है सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू विच द करंट टू बी मेजर, जिसके द्वारा करंट, जिस सर्किट का करंट मेजर करना रहता है उसके सीरीज में लगाते हैं। ठीक है ना, इन फिगर 10.12 सो द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ ए इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ए टाइपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट कंपराइजिंग विथ सेल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब एंड आमीटर एंड ए प्लग की। ठीक है, तो यहां सेल हो गया, ए नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, ऐसे पॉजिटिव से चार्ज क्या हो रहा है ऐसे फ्लो हो रहा है। चार्ज कैसे फ्लो हो रहा है ऐसे हो रहा है, चार्ज का डायरेक्शन देखिए कैसे हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो कन्वेंशनली हम क्या लेते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, होता नहीं है ऐसे लेकिन हम लोग लेते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि उस समय तक हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं था, हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही करंट कहते हैं, लेकिन हम लोग कन्वेंशनली क्या लेते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यहां पे देखिए ये क्या है, ये बल्ब है इस सीरीज में, बल्ब के एकदम पैरेलल नहीं सीरीजेस में, बल्ब के पैरेलल नहीं है ये, बल्ब के क्या है आमीटर बल्ब के सीरीज कनेक्शन है, सीरीज में लगा हुआ है एक दूसरे से जुड़ा है यानी सीरीज में।
ये क्या हो गया, की हो गया, यानी आपको की हो गया, स्विच हो गया है, स्विच हो गया। तो ये हमारा बैटरी हो गया, बैटरी हो गया है। ये क्या हो गया, बल्ब हो गया। ये क्या हो गया, आमीटर हो गया। और ये क्या हो गया, स्विच हो गया। सारे एक दूसरे के क्या है, सीरीज में लग गए। तो आमीटर को हमेशा क्या करना है, हम लोग को सीरीज में लगाना है। आमीटर को हमेशा क्या लगाना है, सीरीज में लगाना है। आमीटर को ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, ये समझ गए। अब चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द आमीटर। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल, यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से हमारा क्या होता है, करंट जो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है ना, यहाँ पे यहां से करंट फ्लो होना शुरू हुआ। करंट यहां से फ्लो होना क्या हुआ, शुरू हुआ। यहां से फ्लो होते 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 क्या हुआ, यहां तक आते आते स्विच अगर ऑन है तो यहां आ गया। यानी हमेशा करंट क्या होगा, फ्लो होगा किससे, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्म, ठीक है ना। इतना तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आगे आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट में एक आपको न्यूमेरिकल है जिसको हम लोग देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में है कुछ नहीं, बस फॉर्मूला पुटिंग है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो सबसे पहले हमको गिवन डाटा लिखना है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ना है हमको लिखना है कि गिवन दिया क्या है। तो एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू 0.5, तो गिवन I इज इक्वल टू 0.5। फ्लो बाय ए फिलामेंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के फिलामेंट से फ्लो हो रहा है, फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ऑफ 10 मिनट, टी इज इक्वल टू क्या दिया है, 3 मिनट। अब यहीं पे गेम खेल रहा है, जो भी पूछेगा गेम यहीं पे होगा। 10 मिनट, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट, सर्किट से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कितना होगा ये पूछा जा रहा है। अब गेम कहां खेल दिया, टाइम 10 मिनट देके क्या खेल दिया, गेम खेल दिया। हमको क्या करना है, टाइम 10 मिनट जो दिया है, 10 मिनट जो दिया है उसको पहले सेकंड में बदलिए। क्या कीजिए, पहले सेकंड में बदलिएगा तो 600 सेकंड, यानी 600 सेकंड आए। अब क्यू आई इक्वल टू हमारा क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी। तो अगर क्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आईटी आ जाएगा। तो वही क्यू इक्वल टू क्या हो गया, आईटी हो गया यहाँ पे। तो 0.5 × 600 यानी 300 कूलम जो है वो चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा। तो कितने कूलम चार्ज फ्लो होंगे, 300 कूलम चार्ज फ्लो होंगे। तो चार्ज का हमेशा यूनिट क्या होना चाहिए, कूलम, जबकि करंट का यूनिट क्या होगा, कूलम पर सेकंड, जिसको हम एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। ये सब क्वेश्चन का आप जवाब क्या कर सकते हैं, दे सकते हो, इतना आप लोगों ने पढ़ लिया। आगे चलते हैं। अब चलिए, फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड ए वायर, यानी वायर में हमारा फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो कैसे होता है ये हम देखना चाहते हैं। हाउ डज ए मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैसे एक मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट करता है। यू वुड थिंक दैट ए लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वुड बी ग्रेट डिफिकल्टी पासिस थ्रू ए सॉलिड कंडक्टर। लो इलेक्ट्रॉन जो होता है, जिस इलेक्ट्रॉन के पास लो एनर्जी होता है उसके ग्रेट डिफिकल्टी टू पास सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड के तरह से पास होने में डिफिकल्टी होता है। इनसाइड द सॉलिड द एटम आर पैक्ड टुगेदर विथ वेरी लिटिल स्पेसिंग बिटवीन देम,
अब कोई भी चीज सॉलिड है उसमें क्या है, पैकिंग होता है, पूरा पैक्ड होता है, यानी उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, बट इट टर्न आउट दैट इलेक्ट्रॉन आर एबल टू ट्रेवल थ्रू ए परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल स्मूथली एंड इजिली ऑलमोस्ट एज इफ दे वेयर इन वैक्यूम. द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर हाउएवर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम That of charge in empty space. किसी empty space में the motion of electron in a conductor, यानी electron का conductor में जो motion है, the motion of electron in a conductor how far very different from the charge in empty space. किसी empty space में charge का flow और conductor में charge का flow अलग अलग होता है. When a steady current flow through the conductor the electron in it move with a certain average depth speed. When a steady current, जब एक steady current, steady मने हमेशा लगाता, steady लगाता. When a steady current flow through a conductor, जब एक steady current जो होगा flow होगा conductor से, the electron in it, इसमें जो electron होगा move with certain average drift velocity, certain average velocity, कुछ average velocity से होगा मूव इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग drift velocity कहते हैं. One can calculate the speed of electron from typical copper wire carrying a small current. अब हम लोग drift जो velocity है, one can calculate the drift velocity speed of electron for a typical copper wire. Copper के typical wire से हम लोग calculate कर सकते हैं. And found actually very small in order to 1 mm per second. तो drift velocity क्या होता है? बहुत ही small होता है, जो कि क्या होता है? 1 mm per second के करीब होता है. How is it then that electric bulb light up as soon as turn the switch? कैसे? How मैंने कैसे? जैसे हम switch ऑन करते हैं हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है? ग्लो हो जाता है. क्यों हो जाता है? इट कैनॉट बी दैट द करंट स्टार्ट ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई फिजिकली रीच द अदर टर्मिनल थ्रू द बल्ब बिकॉज द फिजिकल ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टिंग वायर इज वेरी स्लो प्रोसेस. फिजिकल जो है, फिजिकल ड्रिफ्ट जो होता है वो वेरी स्लो होता है. The exact mechanism of the current flow which take place with a speed close to the speed of light. The exact mechanism of the current flow. Current flow का जो exact mechanism है, drift velocity तो बहुत कम होता है, लेकिन the exact mechanism of the current flow which take place with the speed close to the speed of light is fascinating, but it is beyond the scope of the स्कोप ऑफ दिस बुक. द एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो है करंट फ्लो का वो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, लेकिन वो हमें इस बुक में नहीं पढ़ना है. डिटेल में हम लोग आगे के कक्षाओं में पढ़ेंगे. डू यू फील विद द प्रॉब्लम ऑफ दिस क्वेश्चन एंड एन एडवांस लेवल? तो आप इस क्वेश्चन को किस एडवांस लेवल के क्लास में स्टडी कर सकते हैं? तो ठीक है दोस्तों, यही तक नाम देते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों. मेरे चैनल कंसेप्ट पॉइंट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें. आप लोग जितना लाइक करेंगे मेरे मनोबल बढ़ेंगे और मैं और भी लेक्चर्स बनाने के लिए प्रेरित हो सकूंगा. आपके दो चैप्टर के लेक्चर पहले ही बन चुके हैं और ये तीसरा जो इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो गया है. इसके भी सारे सीरीज आएंगे और इस चैप्टर को भी एंड कर दिया जाएगा. तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें. थैंक यू दोस्तों.